किस्मत बहुत ही कम लोगों को मौका देती है आगे बढ़ने का, वक्त रहते संभल जाओ। ऐसा मौका बार बार नहीं देती है, कुछ करने के लिए कोशिश करना बहुत आवश्यक है। जीवन में कई बार आप ऐसे कुछ कार्य करते हैं जो अनावश्यक चीजों से भरे हुए होते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए आपको सशक्त और एक बेहतर इंसान बनने के लिए निरंतर रूप से कार्य करने की आवश्यकता होती है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे YouTube चैनल में आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की जय कार्य अवश्य लगे, ताकि महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। और उसके साथ ही साथ दोस्तों, कई सारे लोग हमें इस बात की शिकायत करते हैं कि उनका राशिफल सटीक नहीं होता, तो हम उसके लिए हाथ जोड़कर आपसे माफी चाहते हैं। लेकिन जब भी आप हमारा राशिफल सुन, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी जन्मतिथि अवश्य ही डाल दीजिए, ताकि आपको आपकी सटीक भविष्यवाणी मिल सके। कोई कार्य बड़ा या छोटा नहीं होता है, छोटी तो हमारी सोच होती है। और दोस्तों, सच तो ये है कि इसकी वजह से हम कभी कभी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जब सोचना ही है तो बड़े से बड़ा सोचो, फर्क कहां है, सोचना तो दोनों स्थिति में पड़ेगा। हम सब हमेशा भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि हमारे माता पिता ही भगवान का एक रूप है। जैसा आप सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं, इसीलिए आपको अपनी सोच को ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रखने की कोशिश करनी चाहिए। काली रात चाहे कितनी भी हो, लेकिन सुबह होने से, कोई प्रकृति को होने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक उसी तरह, यदि आपके जीवन में अभी बहुत ज्यादा परेशानी है, तो भरोसा रखो, एक दिन खुशियों का सवेरा जरूर होगा। आज की यह वीडियो तुम्हारी तकदीर ना बदल दे। फिर कहना मेरे प्यारे दोस्तों, अगले 15 दिनों के भीतर एक ऐसी चमत्कारी घटना होगी जो इस्मत को ही बदल कर रख दे। जी इतना ही नहीं, आपको कितना भी बड़ा दुश्मन है, उन सभी की बोलती बंद हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आज से अब आपके दुश्मन भी आपका गुणगान करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। आपकी किस्मत को हराम मचाती है। अगले 3 दिनों के अंदर इतना ज्यादा चमत्कार देखने को मिलेगा कि आप तो हैरान होंगे ही, साथ ही आपके दुश्मन भी हैरान रह जाएंगे और कहेंगे कि है भगवान, इसकी इतनी अच्छी किस्मत कैसे लिख दी। जी हां दोस्तों, आखिर खुशखबरी ही इतनी बड़ी मिलेगी कि जिन्हें देखकर आपको अपने आंखों पर यकीन होना भी मुश्किल हो जाएगा। अब आप ईश्वर का धन्यवाद करते थक जाएंगे और कहेंगे कि हे प्रभु, हमारे जीवन काल में इतनी ज्यादा चमत्कार कैसे हो गया। हमने तो अपने पूरे जीवन में इतनी बड़ी चमत्कार की कभी कल्पना भी नहीं किए थे, आपने तो हमारे जीवन को ही धन्य कर दिया। दोस्तों, आज से अगले दिन का यह समय आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। लगाम लगाना बेहतर रहेगा, ताकि आप अपने भविष्य के लिए कुछ धन आसानी से संचय कर पाए। यदि आपकी कोई पुरानी देनदारी लंबे समय से चल रही है, तो आप उसे भी काफी हद तक उतरने में सफल रहेंगे। परिवार में किसी सदस्य को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है, आपको अपनी माताजी से बातचीत करते समय वाणी की मधुरता को ध्यान में रखना होगा। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है, दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके सहयोगियों का आपको पूरा साथ मिलेगा, लेकिन नौकरी में कार्यरत लोगों के ऊपर काम का बोझ अधिक रहेगा। आपको अपने जूनियर से मदद लेनी होगी जो उनको आसानी से मिल जाएगी। बिजनेस में आपकी किसी योजना से आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो उनके काम लटक सकते हैं। आप परिवार के सदस्यों के साथ इसी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, जहां आपको कुछ नए लोगों से मिलजुल बढ़ाने का मौका मिलेगा। आपकी वाणी की स्वामिता देखकर लोग आपकी जन समर्थन में भी इजाफा होगा, लेकिन विद्यार्थियों को शिक्षा में किसी प्रतियोगिता में मनचाही सफलता मिलने से प्रसन्नता रहेगी। परिवार में लोगों का साथ आपको पसंद आएगा और आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर चर्चा भी हो सकती है। आप धन का लेन देन यदि करें, तो उसमें लिखा पढ़ी करके करें, इससे आपको कोई नुकसान हो सकता है। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को अपने कामों को प्राथमिकता देनी होगी, नहीं तो समस्या हो सकती है। आप अपनी आय और व्यय के लिए एक बजट बनाकर चले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ नए अनुबंधों का आपको लाभ मिलेगा। आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के प्रयासों में लगे रहेंगे, जिम आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। और आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी रहने के कारण आप एक कामों को करने के लिए तत्पर रहेंगे। आपके मन में किसी बात को लेकर टेंशन में रहेगा, आप परिवार के सदस्यों के साथ इसी धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं।
लेकिन आपको बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाना बेहतर रहेगा, ताकि आप अपने भविष्य के लिए कुछ धन आसानी से संचय कर पाए। यदि आपकी कोई पुरानी देनदारी लंबे समय से चल रही है, तो आप उसे भी काफी हद तक उतरने में सफल रहेंगे। परिवार में किसी सदस्य को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है, आपको अपनी माताजी से बातचीत करते समय वाणी की मधुरता को ध्यान में रखना होगा। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है, आप अपनी दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके सहयोगियों का आपको पूरा साथ मिलेगा, लेकिन नौकरी में कार्यरत लोगों के ऊपर काम का बोझ अधिक रहेगा। आपको अपने जूनियर से मदद लेनी होगी जो उनको आसानी से मिल जाएगी। बिजनेस में आपकी किसी योजना से आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो उनके काम लटक सकते हैं। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, जहां आपको कुछ नए लोगों से मिलजुल बढ़ाने का मौका मिलेगा। आपकी वाणी की स्वामिता देखकर लोग आपकी जन समर्थन में भी इजाफा होगा, लेकिन विद्यार्थियों को शिक्षा में किसी प्रतियोगिता में मनचाही सफलता मिलने से प्रसन्नता रहेगी। परिवार में लोगों का साथ आपको पसंद आएगा और आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर चर्चा भी हो सकती है। आप धन का लेन देन यदि करें तो उसमें लिखा पढ़ी करके करें, इससे आपको कोई नुकसान हो सकता है। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को अपने कामों को प्राथमिकता देनी होगी, नहीं तो समस्या हो सकती है। आप अपनी आय और व्यय के लिए एक बजट बनाकर चले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ नए अनुबंधों का आपको लाभ मिलेगा, आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के प्रयासों में लगे रहेंगे। जिम आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी और आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी रहने के कारण आप एक कामों को करने के लिए तत्पर रहेंगे। आज का दिन आपके लिए स्रोतों से आय दिलाने वाला रहेगा। आपको लंबे समय से रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है और व्यापार में तेजी आएगी। आपका कोई मित्र आपसे लंबे समय बाद मिलने सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहने वाला है। परस्पर सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके व्यापार में लाभ के अवसरों को पहचान कर उन पर चलना होगा, तभी आप अच्छा धन कमाने में कामयाब रहेंगे। आपको किसी परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट रहने के कारण भाग दौड़ अधिक करनी होगी। सभी का सहयोग और समर्थन आपके ऊपर बना रहेगा। आप अपने कामों पर पूरी निगरानी बनाकर रखें। यदि विद्यार्थियों ने किसी परीक्षा को दिया था तो उसमें उन्हें सफलता मिलने की संभावना बनती दिख रही है। आप अपनी कला का अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपनी योजनाओं पर आपका पूरा फोकस रहेगा, तभी आप उनका लाभ ले सकेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई सूचना सुनने को मिल सकती है कि व्यर्थ के बाद विवाद में पढ़ने से बचना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। आप बड़ों की सिख और सलाह पर चले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। भावनात्मक मामलों में आपको जल्दबाजी करने से बचना होगा। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे लोगों को कोई बड़ा ऑनऑर्डर हाथ लग सकता है, आपको लेन देन से संबंधित मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको प्रमोशन मिलने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। आप कोई महत्वपूर्ण बात किसी दूसरे से शेयर ना करें, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। निजी मामलों में आपको धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। आप अपनी वाणी और व्यवहार से कुछ नए मित्र भी बनाने में कामयाब रहेंगे। अपने यदि किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी करने का सोचा है तो आपकी वही इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन आपके परिवार में किसी सदस्य की कोई बात बुरी लग सकती है, फिर भी आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को साथी पर अधिक विश्वास करना नुकसान देगा, मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। मित्रों से आपको कोई निवेश संबंधी प्रस्ताव आ सकता है। आपके परिवार के सदस्य की ओर से कोई मूल्यवान वस्तु भेंट स्वरूप प्राप्त हो सकती है। आप अपनों के साथ तालमेल बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि आप कोई बात करें तो उसमें विनम्रता बनाए रखें, नहीं तो उन्हें आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। आपको संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो वह किसी गलत काम की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में कामयाब रहेंगे। व्यापार में आपका कामों पर पूरा फोकस बना रहेगा। साझेदारी में कोई काम करने के लिए अच्छा रहेगा। आपका सम्मान में वृद्धि होगी। राजनीति में कार्यरत लोगों की लोकप्रियता बढ़ेगी। आपको एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होगी। आपने यदि जीवन साथी से कोई बात छुपा कर रखी थी तो वह आज उनके सामने आ सकती है। आपको अपने लक्ष्य पर फोकस रखना होगा। आपका व्यक्तिगत प्रयास आज रंग लेंगे। नौकरी में आपकी दिए गए सुझावों का स्वागत होगा।
आप अपनी आय और व्यय के लिए बजट बनाकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक नयापन आएगा और आप शुभ कार्यों पर खर्च करेंगे। लेकिन धन संबंधित मामले में आप किसी पर अधिक विश्वास ना करें। आप किसी नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छी रहेगी। घर में आप अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर पूरा जोर देंगे। आपके परिवार में सदस्यों से किसी के हुए वादे को समय रहकर पूरा करना होगा, नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकते हैं। आप किसी बड़े लक्ष्य को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। परिवार में चल रही कल दूर होगी और माहौल खुशनुमा रहेगा। आपको किसी सरकारी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कार्यों के लिए आपको पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी। बिजनेस कर रहे लोगों ने यदि अपने कामों में डील दी तो इससे उन्हें नुकसान होने की कोई संभावना बनती दिख रही है। आज का दिन आपके लिए किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित होने के लिए रहेगा। आपको देर तक कार्यालय में काम करना पंडित जी सकता है कि मुश्किल समय भी थोड़े समय के लिए है। पिछले सप्ताह की आपकी बोरियत और अलसी आप पर आज नकारात्मक प्रभाव डालेगा। आप आज दूसरों के साथ सौम्य और विनम्र रहे, अन्यथा आप विवाद में फंस सकते हैं। ऐसी स्थितियों से दूर रहे। आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे आप परेशानी महसूस कर रहे हैं। आप पिछली कुछ बातों के बारे में सोचकर परेशान हैं अपने किसी करीबी दोस्त या संबंधी के साथ। अपनी भावनाएं बनती हैं। आपको काफी अच्छा महसूस होगा। यह सारी घटनाएं आपको मजबूत बनाने के लिए हैं। शाम का समय आपके लिए चुनौती भरा हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक प्रकार की एक्सरसाइज जैसे योग ध्यान और ताई ची आदि से आप अपनी अच्छी सेहत के रास्ते में आने वाली हर बाधा से पार पा सकते हैं। अगर कोई तकलीफ बढ़ती दिखाई दे तो उसके प्रति लापरवाह ना हो। तुरंत डॉक्टर की मदद ली और उनसे कहीं कि आपको कोई हल्की दवा दे दे। आज आप अपने रोमांटिक संबंध को अधिक समय नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप दूसरे पारिवारिक संबंधों में व्यस्त रहेंगे। आपके माता पिता या बच्चे आपसे आपका काफी समय मांगेंगे, लेकिन अगर आप इन सब जिम्मेदारियां में अपने पार्टनर को भी शामिल कर लेंगे तो रोमांस के लिए भी मौका निकाल ही आएगा। इससे आपके संबंध को एक नई ताजगी मिलेगी। आज आपके लिए एक भाग्यशाली दिन है। आप किसी भी बैठक या बातचीत में शीर्ष पर रहेंगे। आप बहुत आसानी से किसी भी घुमावदार स्थिति से बाहर आ जाएंगे। आपके प्रयासों की सराहना की जाएगी। इस समय आपके जीवन में पुराने संबंध और संपर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपके ऊपर हर जगह बहुत अच्छा कार्य करने का काफी दबाव होगा, लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि ज्यादा दबाव आपके खुद के तय किए हुए बहुत ऊंचे मानकों के कारण है। ईमानदारी और एकाग्रता आपको बहुत आगे ले जाएगी, लेकिन अपने आदर्शों और यकीन पर कायम रहे कुल मिलाकर आपकी सेहत अच्छी ही रहेगी। लेकिन आपको बढ़ाते हुए तनाव को देखते हुए अपने शरीर और खाने का विशेष ध्यान रखना होगा। आइए अपने खाने में सभी तरह के विटामिन एक और एक शामिल करने का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपकी रोग निरोधक आज हमेशा 8 से 10 गिलास पानी पिए आए। इससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और आप स्वस्थ बने रह सकेंगे। आप आज मिलने वाले हर आदमी के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि उनमें से हर एक आपके लिए परफेक्ट पार्टनर साबित हो सकता है। पहली नजर के आकर्षण को प्यार कहना काफी जल्दबाजी होगी। एक कदम पीछे हटे और यह देखने और सोने की कोशिश करें कि अगर आप इस आदमी के साथ जिंदगी बिताएंगे तो अब स्थिति क्या है और भविष्य में इस संबंध में क्या होने की संभावना है। छात्रों के लिए यह किसी भी परीक्षा में उतरने लिए एक अच्छा दिन है। सफलता आपके साथ है। पेशेवरों के लिए आपके कार्यस्थल पर एक सकारात्मक दिन होगा। लंबित मुद्दों का हल मिलेगा। अगर आपको लगता है कि वेतन वृद्धि के लिए आज का दिन उपयुक्त है तो अपने उच्च अधिकारियों से बात करने का दिन आज अच्छा है। आप बहुत अच्छे निर्णायक हैं और सब चीजों का आसानी से विश्लेषण कर लेते हैं। आज आपको अपनी इस विशेषता के लिए खूब तारीफ मिलेगी। लोग अच्छी तरह काम करने के लिए आपकी ओर देखेंगे और आपसे सीखेंगे। आपको किसी खतरनाक जगह पर यात्रा करने की जरूरत संबंधी सूचना मिलेगी। घबराएं नहीं, यह यात्रा छोटी सी होगी। इससे पहले कि आप खुद पर अपने नए कार्यक्रम या डाइट को लेकर अधिक शक्ति बढ़ाते हैं, पहले यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो आप करने जा रहे हैं वह आपके लिए जरूरी भी है या नहीं। हो सकता है कि किसी और के तय किए हुए है कि और किसी के कहने पर चलने की बजाय आप खुद अपनी जरूरत और अपने व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए अपना कार्यक्रम बनाएं। आज आप अपने अतीत के किसी व्यक्ति से मेल मिला कर सकते हैं, यद्यपि यह व्यक्ति आपके प्रेम प्रासंगिक रिश्तों से हटकर होगा।
वह व्यक्ति आपको महत्वपूर्ण दिशा निर्देश या ऐसा मार्गदर्शन कर सकता है जिससे कि काफी लंबे समय से जो भ्रम और परेशानियां आपके जीवन में थीं, उन्हें दूर किया जा सकता है। इस जानकारी की मदद से आप अपना पहला कदम इन गांवों को भरने में उठा सकते हैं। आपको अपने कामों को पूरा करने के लिए बहुत कम साधन उपलब्ध होंगे और इससे आपके काम में बड़ा पहुंचेगी। इससे परेशान ना हो, आपको दिन के अंत तक अपनी पसंद का काम और साधन दोनों ही मिल जाएंगे। आप प्रकृति से ही मेहनती हैं और आप जिम्मेदारियां के साथ साथ स्वतंत्रता का भी आनंद लेंगे। पिछले कुछ समय से आप अपने वजन में बढ़ोतरी महसूस कर रहे हैं, इसके बारे में काफी जागरूक भी है, लेकिन आप इसके लिए कुछ कर नहीं रही हो। कहीं से कोई डाइट रूटिंग मिल जाए, आप हल्का फुल्का व्यायाम भी कर सकते हैं। व्यस्त सड़कों पर ना घूमें क्योंकि आपको धूल मिट्टी से एलर्जी हो सकती है। पहनकर चलें। आप पिछले काफी समय से किसी के जबरदस्त प्रशंसक हैं, लेकिन कुछ घटनाओं से आपको ऐसा लगा है कि आपने उनके चक्कर में बस अपना समय व्यर्थ किया है। जिस पर आप इतना ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है, तो आशा करती वीडियो में देखिए, जानकारी को पसंद आई होगी। वीडियो अंतर जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।